नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ लोगों को घर में रहकर कोरोना से बचने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी लगातार उन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जिनसे कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। ऐसे में ये लोग अपने परिवार को छोड़कर देश को बचाने में जुटे हुए हैं। जहां डॉक्टर्स में भी कोरोना बीमारी को ठीक करते करते कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान पुलिस भी सड़कों पर मुस्तैद है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में एक पुलिस वाला लोगों को समझा रहा है। कभी बाइक सवारों को रोककर बात करता है, तो कभी कार वालों को रोककर समझाता है। पुलिस वाला कोरोना वायरस जैसे दिखने वाले हेलमेट को पहनकर वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। आप इन तस्वीरों से इस पुलिस वाले के काम के प्रति समर्पण भाव को समझ सकते हैं कि किस तरह वो भरी दोपहर में इस हेलमेट को पहनकर लोगों को बच्चों की तरह समझा रहा है। जैसे कि हम बच्चों को किसी चीज को समझाने के लिए तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं, वैसे ही ये पुलिस वाला भी अपने काम को कर रहा है और किसी को कोरोना का हेलमेट लगाकर समझा रहा है कि अगर घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कोरोना पकड़ लेगा। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें चेन्नई की हैं और हेलमेट लगाए जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर राजेश बाबू हैं, जो कि अपनी ड्यूटी को किस अनोखे अंदाज से निभा रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। जब इंस्पेक्टर राजेश बाबू से उनके अनोखे अंदाज के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उनके बीच जागरूकता बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हमने एक हेलमेट डिजाइन किया जो कोरोना वायरस की तरह दिखता है। हमने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जो लोगों को डराए और उन्हें घर पर बनाए रखे। तो देखा आपने, जहां एक तरफ पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस लॉकडाउन में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उनकी धुलाई कर रही है, तो वे दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राजेश बाबू जैसे भी पुलिस वाले हैं जो मानवता की मिसाल पेश करने में लगे हुए हैं। कभी पुलिस वाले लोगों को खाना खिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी घरों में राशन और दवाइयां पहुंचाते हुए नजर आते हैं। और तो और, यूपी पुलिस ने तो ये ऐलान तक कर दिया है कि अगर खाने का इंतजाम ना हो तो थाने आए, लेकिन बाहर ना घूमे। उसके बाद चेन्नई से आई इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरह हमारे लिए सड़कों पर निकली है ताकि हम घरों में रहकर अपनों को सुरक्षित रख सकें। इतना ही नहीं, भरी दोपहर में इंस्पेक्टर राजेश बाबू ने इतना भारी हेलमेट लगाकर अपने काम के प्रति जिस निष्ठा का भाव दिखाया है उसे वीके न्यूज सलाम करता है। आप भी लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर ऐसे कामों को सम्मान दे सकते हैं, इसलिए आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।